छत्तीसगढ़ में नई सरकार पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एक शानदार टीम बनी है। हमारे घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी के साथ लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया और हमें अच्छा परिणाम भी मिला। मैं विष्णुदेव साय को बधाई देता हूँ। विष्णुदेव साय के पास वर्षों का अनुभव है, केंद्रीय मंत्री और कई अन्य पदों पर रहे हैं और उनकी छवि साफ सुथरी है। मुझे उम्मीद है कि घोषणा पत्र में दी गई सभी गारंटी पूरी होगी। ये बहुत शानदार यहाँ पे नई टीम तैयार हो हुई है और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, 54 सीट दिया और निश्चित रूप से उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का योगदान, उनकी मेहनत, अमित शाह जी, नड्डा जी और हमने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें मोदी जी की गारंटी जुड़ जाने से जनता ने 100% मतदान में हिस्सा लिया और एक अच्छा रिजल्ट आया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री के पद में आज शपथ लेने वाले हमारे विष्णुदेव साय जी को, जो अनुभव जिनके पास काफी है, केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों में रहते हुए काम किया, एक लंबा राजनीतिक जीवन है, ईमानदार और स्वच्छ छवि के मालिक हैं और उस सरगुजा क्षेत्र के कुनकुरी और में और जसपुर के और तीनों क्षेत्रों में और पूरे सरगुजा क्षेत्र में जो 14 में 14 विधानसभा हम जीत के आए हैं, निश्चित रूप से ऐसे वरिष्ठ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सरगुजा को एक सम्मान मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूं विष्णुदेव साय जी को कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जो घोषणा पत्र हमने जारी किया है उसका 100% क्रियान्वयन हो। नहीं, ठीक है, वो एक लोगों की उम्मीद और थी, अपेक्षाएं थी। हाँ, विजय भी जबरदस्त रूप से बस्तर और सरगुजा में मिला है तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष हूँ और विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत से विधानसभा के संचालन और बाकी विषयों में जो जवाबदारी रहेगी उसको पूरा करेंगे।